ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की जानकारी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की मदद करना है। कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डेटा पोर्टल पर अपलोड कर गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए, इसके लिए सही गिरदावरी होना जरूरी है। इसके लिए पटवारी के साथ साथ नंबरदारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। कृषि मंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुरूप पारदर्शी तरीके से खरीद प्रक्रिया करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर 31 अगस्त 2020 तक धान व बाजरे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी अवश्य दर्ज करवाएं। इसकी गिरदावरी में नंबरदार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, क्योंकि नंबरदार को उसके गांव के बोए गए फसलवार रकबे की जानकारी रहती है। इस मामले में रकबे की स्टिक जानकारी उपलब्ध करवाने वाले नंबरदारों को प्रोत्साहित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि रबी खरीद सीजन के दौरान सरसों की खरीद में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दी जानकारी में कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जो खरीफ सीजन के दौरान विशेषकर बाजरे व मूंग में नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पोर्टल की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें कृषि के साथ साथ राजस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और अन्य संबंधित विभागों के मंत्री व प्रशासनिक सचिवों को बुलाया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट।